आपने कई लोगों की लव स्टोरी पढ़ी और सुनी होगी, परंतु आज हम आपको जिस लव स्टोरी के बारे में बताने जा रहे हैं वो सबसे अलग और अजीबोगरीब है। ये लव स्टोरी है रूस की 24 साल की एक महिला की। रूस की ये महिला इंसानों से नहीं बल्कि अलग अलग निर्जीव चीजों से आकर्षित होती है। रेन गॉर्डन नाम की ये महिला एक ब्रीफकेस के साथ शादी भी रचा चुकी है। रेन का कहना है कि वे इस ब्रीफकेस के साथ कनेक्शन महसूस करती हैं। आपको बता दें, रेन एक नर्सरी टीचर हैं। रेन का बचपन से ही मानना है कि सजीव से लेकर निर्जीव चीजों में भी आत्मा होती है। रेन एनिमिम्स के कॉन्सेप्ट में विश्वास करती हैं, जिसके अनुसार हर चीज में जिंदगी होती है। रेन ने इस ब्रीफकेस को साल 2015 में एक हार्डवेयर शॉप से खरीदा था। रेन कहती हैं कि शुरुआत से ही उन्होंने इस ब्रीफकेस को निहारना अच्छा लगता था और वो शाम और रात का वक्त रेन ब्रीफकेस के साथ ही व्यतीत करती हैं। रेन कहती हैं कि वो ब्रीफकेस के साथ फिलॉसफी से जुड़ी बातें भी करती हैं। रेन को धीरे धीरे ये एहसास होने लगा कि वो ब्रीफकेस को चाहने लगी हैं। रेन कहती हैं कि ब्रीफकेस सिर्फ उनका पार्टनर नहीं है बल्कि दोस्त और एक अच्छा मेंटर भी है। रेन कहती हैं कि वो ब्रीफकेस को सुनती हैं और ब्रीफकेस भी उसकी बातों को सुनता है, लेकिन आम लोगों को सिर्फ मेरी बात सुनाई देती है। रेन का कहना है कि उनका आध्यात्मिक कनेक्शन और कम्युनिकेशन टेलीपैथी के द्वारा मुमकिन हो पाता है। रेन अपने रिलेशनशिप के बारे में अपने परिवार को बता चुकी हैं और परिवार भी इस रिश्ते को स्वीकार कर चुका है। रेन इससे पहले एक शख्स को डेट कर चुकी हैं, परंतु वो रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं चल पाया।